प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 16 साल बाद मुझे अपने पुराने मोहल्ले जाना पड़ गया। मैं इतने साल बाद अचानक इस मोहल्ले में आया था, सब कुछ बदल चुका था। ये वो मोहल्ला था जहाँ मैंने अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। फिर अब्बू का तबादला हो गया और हमने ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और आज जब इतने साल बाद एक बार फिर इसी मोहल्ले में वापस आया हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मैं पुरानी गलियों में चलता जा रहा था, वहाँ कोई मुझे नहीं जानता था। चलते चलते एक पुराने घर के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। उस घर की सारी दीवारें टूट चुकी थी और दरवाज़ा भी पुराना हो चुका था। उस घर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। वो हमारे पड़ोसियों का घर था और मैं बचपन और जवानी में भी अक्सर उनके घर खेलने जाता था। सच पूछें तो खेलना सिर्फ एक बहाना था, मैं असल में शबाना को देखने जाता था। शबाना बहुत खूबसूरत और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त वो सिर्फ बचपन तक थी। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे उससे प्यार होने लगा था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर हम लोग हमेशा के लिए ये मोहल्ला छोड़कर चले गए थे और शबाना यहीं रह गई। शबाना की एक बहुत अच्छी दादी भी थी जो मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी, और मैं भी उन्हें अपनी सगी दादी की तरह समझता था। मगर अब तो कुछ भी नहीं रहा था। शायद उसकी शादी हो गई होगी और अब तो उसके बच्चे भी हो चुके होंगे। इतने साल जो गुजर चुके हैं और उसकी दादी तो अब यकीनन फोत हो चुकी होंगी, क्योंकि वो तो उसी वक्त बहुत बूढ़ी और कमज़ोर थी, और अब तो इतने साल गुजर गए। और मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं था कि ये घर अब भी इन्हीं का है या वो भी ये घर छोड़कर चले गए हैं। फिर भी बेइख्तियार मैंने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और जिसने दरवाज़ा खोला था उसे देखकर मेरी सांसें गले में अटकने लगी। मैं सदमे और हैरत से उसे देखे जा रहा था। वो शबाना थी, बिल्कुल वैसी शबाना जैसी मैं उसे छोड़ कर गया था। वो बिल्कुल नहीं बदली, उसका चेहरा ना रंग और ना ही उस पर वक्त गुजरने का कोई असर हुआ था। वो अभी भी वैसी ही खूबसूरत और जवान थी। मुझे देखकर उसने उदासी से कहा, तुम आ गए बासित, मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम यूँ बिना बताए चले गए थे, ऐसे भी कोई जाता है क्या? मैंने उसकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदगी से सर झुका लिया और मुआज़रत करते हुए बोला, आई एम सॉरी शबाना, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे और यही वक्त का फ़ैसला था कि हम दोनों जुदा हो जाते। मेरी बात सुनकर उसने अपनी आंखें साफ की और बोली, चलो अभी यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? शबाना की बात पर मैं अंदर इनके घर में चला गया। उनका पुराना घर बिल्कुल वैसा था जैसा 16 साल पहले था, कुछ भी नहीं बदला था। मैं अंदर जाते हुए घर का जायज़ा भी लेता जा रहा था। फिर चलते चलते मैं अचानक छिटक कर रुक गया। मेरी जो सामने नज़र पड़ी तो मैं शॉक्ड हो गया। सामने एक चारपाई पर शबाना की दादी बैठी थी। मैं उसकी दादी को ज़िंदा देखकर हैरान था। इतने साल बाद ना सिर्फ वो ज़िंदा थी बल्कि वैसी की वैसी सेहतमंद थी। मैं आंखें फाड़े उन्हें देखे जा रहा था, ऐसा कैसे मुमकिन था। फिर मैंने उसकी दादी को सलाम किया। दादी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ़ देख कर कहा, कैसे हो बासित, इतने साल बाद कैसे याद किया हम गरीबों को? मैं दादी की बात सुनकर मज़ीद हैरान हो गया। उन्होंने सिर्फ़ एक नज़र देख लेने पर ही
मुझे पहचान लिया था, जबकि मेरी शक्ल इतने सालों में काफ़ी तब्दील हो चुकी थी। और जब मैं यहाँ से गया था तब मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। मैं उनकी याददाश्त पर काफ़ी हैरान था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कुछ गलत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं दादी? फिर दादी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया। उसी वक्त शबाना ने अपने मुलाजिम को आवाज़ देकर कहा, नाजिम चाय लेकर आओ। मैं शबाना की बात सुनकर एक हैरत में डूब गया। नाजिम इनके घर का काफ़ी पुराना मुलाजिम था और वो उस वक्त भी इन्हीं के घर काम करता था जब हम छोटे थे, और आज इतने साल बाद भी वो इसी घर में मुलाजिम था। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैंने शबाना से पूछा, क्या नाजिम अब भी यहाँ काम करता है? शबाना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ नाजिम अब भी हमारे घर में काम करता है। सब कुछ वही है जैसे तुम छोड़ कर गए थे, बस तुम ही बदल गए हो। शबाना ने शिकवा किया और मैं उसके शिकवे पर मज़ीद शर्मिंदा हो गया। फिर शबाना की दादी ने एक नहायत अजीबोगरीब बात कही, बेटा तुमने हमारे घर में मौजूद कब्रें देख ली? मैं इनकी बात सुनकर बुरी तरह उलझ गया और मैंने हैरानगी से शबाना की तरफ देखकर पूछा, ये दादी किन कब्रों की बात कर रही हैं और घर में किसकी कब्रें हैं? शबाना ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय अपनी दादी को टोकते हुए कहा, क्या दादी आप भी हर मेहमान के सामने कब्रों का जिक्र लेकर बैठ जाती हैं? इस बेचारे को चाय तो पीने दो। दादी ने कुछ शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखकर कहा, अच्छा बेटा तुम चाय पी लो फिर बात करेंगे। लेकिन मैं बुरी तरह उलझ चुका था। आखिर क्या था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था? मैं वहीं दादी के साथ बैठकर बातें करता रहा। दादी ने शिकवा करते हुए कहा, तुम इतने बड़े आदमी बन गए, दोबारा इस मोहल्ले में ही नहीं आए, हम इतना इंतज़ार करते रहे। मैंने दादी को समझाते हुए कहा, दादी बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि दोबारा नहीं आ सका। मेरा बहुत दिल करता था मैं आपके पास आऊँ, आप सबसे मिलूँ। दादी ने बड़ी मोहब्बत से मेरे गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा तुम्हारी अम्मी अब्बू और बाकी बहन भाई कैसे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है दादी, और अम्मी तो आप सबको बहुत याद करती हैं। फिर मैंने शबाना की तरफ देखकर कहा, शबाना तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मेरी बात पर शबाना ने दुख भरे लहजे में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हारे अलावा किसी और से कैसे शादी कर सकती थी, और तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। शबाना की हर बात पर मेरे पुराने ज़ख्म ताज़ा हो रहे थे। फिर उनके घर का मुलाजिम नाजिम चाय लेकर आया था। मैं नाजिम को देखकर एक बार फिर उलझ गया, क्योंकि नाजिम अब भी वैसा था जैसे 16 साल पहले था। वो बिल्कुल नहीं बदला था और ना ही इसकी उम्र बड़ी थी। और मैं सोच रहा था, क्या इस घर में रहने वालों पर वक्त गुजरने का बिल्कुल असर नहीं हुआ था? सबके सब वैसे ही जवान थे जैसे मैं उन छोड़ कर गया था। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ वाकई अजीब है। नाजिम ने चाय रखकर मुझे देखा और खुश होते हुए बोला, बासित बाबू आप इतने साल बाद हमारे घर का रास्ता कैसे भूल आए? वो बिल्कुल वैसा था, वही आवाज़ वही लहजा। मैंने कहा, यार नाजिम तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, इतने साल बाद भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे। और मैं चाय उठाकर पीने लगा। चाय के दौरान शबाना और नाजिम वहीं बैठ गए और मेरे साथ बातें करते रहे। मैं दादी के साथ भी बातें करता रहा। हम सबको पुराना वक्त याद आ रहा था और पुरानी बातें याद करते रहे। इसी दौरान दादी ने एक अजीबोगरीब वाकया सुनाया। बेटा
आज से 7 साल पहले 12 दिसंबर 2004 की सुबह हमारे घर में 2 चोर आए थे और उन्होंने हम सबको पकड़ा और घर का सारा सामान ले गए। फिर इन चोरों ने हम तीनों को रस्सियों से बांध दिया था और बंदूक निकाल कर हम तीनों की तरफ बढ़े। दादी वाकिया सुनाते सुनाते रुक गई। मैं सांस रोके उनका वाकिया सुन रहा था। फिर मैंने इनसे पूछा, दादी फिर क्या हुआ, उन चोरों ने कैसे छोड़ा था आपको? मेरी बात सुनकर दादी ने उदासी से अपना दुपट्टा सर पर लिया और बोली, पता नहीं बेटा आगे क्या हुआ था, मुझे कुछ खास याद नहीं, अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, याददाश्त भी कमज़ोर है। मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। कुछ देर तक मैं उनके साथ बातें करता रहा, फिर चाय पीकर मैं जाने के लिए खड़ा हुआ। दादी शबाना और नाजिम भी खड़े हुए। फिर मैंने दादी और शबाना से कहा, चलो इस वक्त चलता हूँ, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मैंने जाने से पहले शबाना की आंखों में देखा, उसकी आंखों में बेपनाह उदासी थी, मैं उससे नज़रें नहीं मिला सका। फिर मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो दादी ने पीछे से आवाज़ दे कर कहा, रुक जाओ बेटा, कब्रें तो देखते जाओ। मैंने कुछ उलझ कर दादी को देखा और फिर दादी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा वो रही कब्रें। मैंने नज़रें उठाकर सामने देखा तो घर के पिछले हिस्से की तरफ एक दरख्त के नीचे कुछ कब्रें थीं। मैं बुरी तरह उलझ गया कि घर के अंदर किसकी कब्रें हो सकती हैं, क्योंकि जब मैं बचपन में यहाँ आता था तब तो यहाँ किसी की कब्रें नहीं थीं। दादी ने कहा, चलो बेटा चलकर देख लो, सोच क्या रहे हो? दादी की बात पर मैं इन कब्रों की तरफ जाने लगा। शबाना, नाजिम और दादी भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं इन कब्रों के पास पहुंच गया। वो तीन पुरानी कब्रें थीं जिन पर हद से ज़्यादा मिट्टी और कुछ जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। इन तीनों कब्रों पर एक एक तख्ती लगी हुई थी, हर तख्ती पर मरने वाले का नाम था। मैं इन कब्रों के पास गया। पहली कब्र की तख्ती की तरफ मैंने देखा तो उस पर नाम पढ़कर मुझे लगा मैं अगला सांस भी नहीं ले सकूंगा। इस तख्ती पर लिखा था, नूरा दादी, वफात 12 दिसंबर 2004। मेरी आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं, दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मैंने दूसरी कब्र की तख्ती की तरफ देखा तो एक और सदमा लगा, जिस पर लिखा था, नाजिम अली, वफात 12 दिसंबर 2004। डर और खौफ के मारे मैं पसीना पसीना हो गया, मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ जल्दी जल्दी इस तीसरी कब्र का कुतबा देखा तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उस पर लिखा था, शबाना असलम, वफात 12 दिसंबर 2004। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांप रहा था। इसका मतलब दादी, शबाना और नाजिम मर चुके थे। मैंने डरते डरते पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था, सब गायब थे। मैं खौफ से कांपते हुए तेज़ी से वहां से जाने लगा। मैं अब तक मरे हुए लोगों के साथ था, ये सोच कर ही मेरा वजूद कांपने लगा। शबाना, दादी और नाजिम मर चुके थे और 12 दिसंबर 2004 के दिन जब वो चोर उनके घर आए थे तो इन चोरों ने शबाना, दादी और नाजिम को मार दिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।